और रही बात 70 साल की विकास के नाम पर, तो सिर्फ कांग्रेस एक ही चीज़ कह दे लादीप दांधी टेम्पू तो लाए थे, अब इन्हें कंप्यूटर के वो नहीं आओ सबसे। मेरा मतलब ये है कि अब कांग्रेस आएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परिवर्तन है, बीजेपी का गमन है, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, नए युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगार लगातार घूम रहा है, पुराने लोगों की सोच है, बीजेपी सब कुछ नहीं है, बीजेपी भारत का विनाश करने वाली पार्टी है, कांग्रेस सवाल ही नहीं। हम कांग्रेस के मैया अपन तो हाँ शुद्ध का, अरे बल्ब फट जाती देखती जाओ शरीफ ना। अच्छा कह रहे हैं आज जा है पोजीशन हाँ। के अगर किसान की खीर पे अपनी मोटर नहीं चला पा रहा हो हाँ। अगर वो कोई 1000 रुपए जब बिल डो तो मैं मोटे की मैं डोजन के काट के उठा के ले जा पीछे से जा है अच्छा लाइट जी को बिल डरो तो उसकी मोटर उठ रही पहले नहीं उठती पहले समाज है भूल चलाओ कांग्रेस चलाए फूल के वोट आई है कांग्रेस। हाँ हमारे नमस्कार भैया, राम राम, हमें राम नरेश और आप देख रहे हैं बुंदेलखंडी न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और बुंदेलखंडी न्यूज़ की चुनावी चौपाल गांव-गांव जा रही है। इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं प्रतिपुर विधानसभा के दगौड़ा गांव में। यहां पर एक चाय की दुकान है, ये धामना तगेला, यहां पर हम खड़े हैं। एक तरफ ये रोड यहां जाओ तो टीकमगढ़ है, इस तरफ जाओ तो प्रतिपुर है, और ये बेरवा जतारा के लिए रोड गया है। हमारे साथ चाय की दुकान पर कुछ दादा लोग बैठे हैं, इनसे हम जानेंगे यहां पर क्या चुनावी माहौल चल रहा है, किसकी लहर चल रही है, आपकी आने वाली 17 तारीख को मतदान करके किसको ये विधानसभा में पहुँचाने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ दादा राम राम, क्या नाम है? राम राम, हमारा नाम रघुवीर सिंह मुखिया मऊ। अच्छा, कौन गाँव के मऊ के? कहाँ चल रहा हो दादा आपकी? हमारे तो भाजपा चल रही है, कांग्रेस चल रही है। अच्छा, कहाँ लग रहा हो आपको आपकी दार कू आ जाए? अब वो भगवान जाने जो कू आ जाए। नहीं नहीं, वैसे आपको लग तो रही भगवान आपको भाजपा की कामन से कितनी खुश है? बिल्कुल पूरा खुश है आत्मा से, उन्हें रुपया मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही, बेनन का मिल रहा, सबका मिल रहा। तो अब क्या लग रही है तुम्हारी पोलिंग जीत गए? हमारी तो जीती जीत आ गया है। चलो हमारे साथ हो रहे हैं भाई साहब हैं, हम कहा ना भाई साहब जी? भैया मैं महेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। मैं आपसे बताया, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा हो महेंद्र कुमार जी? ये लग रहा है कि बीजेपी 15 साल से शासन कर रही है MP में। हमारा ये है कि नौ युवा बेरोजगार घूम रहा है टीकमगढ़। आप सुनिएगा मेरी बात, पूरी सुन लीजिएगा। नया युवा बेरोजगार घूम रहा है, बीजेपी 1500 रुपये के लोलुपात दिखा के बुजुर्गों को या बहनों को या माताओं को, ये इससे बेरोजगारी हटने वाली नहीं है, जानिएगा आप। शॉर्ट में बताना, मेरा मतलब ये है कि अब कांग्रेस आएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परिवर्तन है, बीजेपी का गमन है, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, नए युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगार लगातार घूम रहा है, पुराने लोगों की सोच है, बीजेपी सब कुछ नहीं है, बीजेपी भारत का विनाश करने वाली पार्टी है, कांग्रेस युवा पार्टी है, कांग्रेस सुनिए आप मेरी बात सुनिए। 55 साल में ये सड़क, हवाई अड्डे, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड, सड़क कांग्रेस ने ही दिए, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, बंटवारा किया है देश का, बंटवारा केवल बीजेपी ने किया है देश का, बंटवारा बीजेपी ने कांग्रेस ने, सुनिए। सन 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था, हमारे देश के पास 55,000 रुपये था। मैं पूरा इतिहास हिस्ट्री PCS आदमी हूँ मैं। हमारे देश के पास जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शपथ ग्रहण की, जब हमारे पास 55,000 पूरे देश के पास, आज आप एक गरीब के पास चले जाइए 55,000 रुपये निकल आएगा, पूरे देश के पास 55,000 रुपये था, जान रहे हैं आप? उस देश से लेकर महंगाई पे बताओ भाई साहब, महंगाई तो हमारा देश बिल्कुल गरीब
मध्यम वर्ग का बिल्कुल परेशान है, सब्जी नहीं खा पा रहा, रोटी नहीं खा पा रहा। बताइएगा, दादा लोगों को पता नहीं है, ये तो बहुत बुजुर्ग हैं, इन्होंने सब कुछ देखा है, जानिएगा आप, ठीक है। दादा लोग तो ये समाज में बट गए हैं, मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि नया युवा लोग पूरा बेरोजगार है, परेशान है, लोगों को रोजगार चाहिए, गरीबी को रोजगार चाहिए, भूखों मर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं खा पा रहा, रोटी नहीं खा पा रहा, मैं आपसे बात बताऊं। और परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सरकारें परिवर्तन होती हैं तो नया काम करती हैं। भाई साहब ने बताया परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन तो ठीक है, परिवर्तन से आदमियों का, सरकारें भी अच्छा काम करती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पहले 5 साल समाजवादी पार्टी आती थी, उसके बाद 5 साल BSP आती थी, अगर परिवर्तन होता रहे तो ये तो अच्छा है हमारे साथ हो रहे हैं। दादा क्या नाम है? चलो बताओ दादा, इधर बैठा रखो, कहाँ कह रहे हैं भाई जो बताओ, खड़े हो जाओ। अरे खड़े नहीं, बैठे ही मिले लो, आप भी बैठ लो। हमारा नाम दुराग सिंह घुस है, हम देवखा से हैं। भाई साहब ने जो अभी हाल बात करी कि बेरोजगारी है, युवा भटक रहा हो, कांग्रेस कहाँ से नौकरी दे दे, और रही बात 70 साल की विकास के नाम पे, तो सिर्फ कांग्रेस एक ही चीज़ कह दे, लादीप दांधी टेम्पू तो लाए थे, अब इन्हें कंप्यूटर के वो नहीं आओ सबसे। जब से मध्य प्रदेश में BJP सरकार आई तब से सड़कें देख लो और लाइट देख लो, जो एक टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर शहर में लाइट है वो एक देहात में लाइट है, वरना कांग्रेस के राज में कंडेंसर ले लेके मर गए किसान और लाइट जल ही नहीं है। दूसरी बात, इन्हें नौकरी की तनख्वाह चाहने आज 2023 की, उन्हें मजूरी देने आवे सन 93 की 5 रुपया, मतलब मजूर लगाए तू के 5 रुपया दे भेजे को देत 5 रुपया, अरे मतलब देना चाहिए, मतलब इनकी सोच जे है, इन लोगों की सोच जे है, कोई महंगाई नहीं है, 500 रुपया क्विंटल जब पीसी पे कटती, जब DAP की एक बोरी 500 में आउती, आज 2000 रुपया पीसी बिक रही DAP की बोरी और संगे दो यूरिया की। 2012-13 में डीजल का रेट है, तो डीजल से अगर पूछ रहे मेन चीज, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल के दाम पर ही निर्भर करती है महंगाई, तो 2012-13 में किसान की हम जो पूछ रहे पेट्रोल डीजल नहीं है, पूरा देश की अर्थव्यवस्था ही डीजल पेट्रोल से चलती है, जा बात मानना है, उसी पर महंगाई पूरी उसी पर निर्भर करती है। देश में मध्यम वर्ग के कितने लोग हैं? 65-67 नहीं, अगर ठीक है 50 से अगर 90 होगा तो आज और चीजन में भी तो बड़ी 100 रुपया किलो वर्दा 2013 में कब देखो। और हमारे संगे दादा है तनक सबसे पूछे कहा ना हो आप, प्रसाद घोष। अच्छा कौन गांव के हो तुम? हम खरोई से रहने वाले हैं। कहा लग रहा तुम आए थे, कहाँ चल रहा हो? हमारे यहाँ BJP चल रही है। क्या लग रही? BJP से सुषमा यादव है, BJP समय नितिन सिंह राठौर। क्या लग रहा हो तुम्हें? सुषमा यादव से मतलब नहीं है, हमें पार्टी से मतलब है, पार्टी की विचारधारा से हम जुड़े हैं, पार्टी ने जो काम किया है हमें सुषमा से मतलब थोड़ी, हम तो ये कह रहे हैं कमल के फूल मतलब अगर कोई कुत्ता के पूंछ में भी बांध दे तो हम उसको वोट देंगे, उस चीज की खुशी हम उसको वोट देंगे। भाई कांग्रेस वाले भाई भाई कांग्रेस वालों की क्या है कि आज आप देखिएगा आ गए वोट मांगने, 1998 में यहाँ लाइट खो गई थी, एक आदमी दो यहाँ दो ही फेस पकड़ ले तो किसान जो आज कह रहे हो है कांग्रेस को है को 98 में लाइट कैसे आती बतावे वो हम बताओ का जो है जरूरत नहीं पड़ती लाइट की भाई साहब एक मिनट सुन लो, देखो सब जने चिल्ली आओ तो काउ की कसी समझ में नहीं, एक एक करके बताओ घंटा लाइट आउटी भैया 1998 में बताओ जी भैया क्या है जी है समाज के, तो समाज की तरफ बोलेंगे जो है सब सवाल ही नहीं हुआ, हम कांग्रेस के हम भैया अपन तो हाँ शुद्ध का, अरे बल्ब फट जाती देखती जाओ दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होया करते थे, कमलेश लोधी बिजरा बन ग्राम पंचायत। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होया करते थे
कोई ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में 20-20 चोरी होती थी एक दिन के अंदर। कोई सी जंगल रात था दिग्विजय सिंह की टाइम पे, मुख्यमंत्री जब दिग्विजय सिंह था खुलेआम लूट ले जाते थे, दिगोड़ा हो जा पीती खुलेआम गुंडा पैदी दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जंगल रात था, जंगल रात थे। आप चलो एक एक करके बोलो। योजना लिया शिवराज सिंह, मान्य शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है। हर जो बिजली विभाग देख लो, स्वास्थ्य विभाग देख लो, रोड देख लो, आयुष्मान सड़क देख लो, हर एक योजना देख लो। एक भी मोटर एक एक करके आप रुक जाओ। हमारी लाइट विभाग प्राइवेट में पहुंच गया है, रेलवे प्राइवेट में पहुंच गया, इनके पास की समाज बहुत तो ये कहा पहुंच जाती नहीं बता हमें जो है चीज। चाचा का कह रहा है? चाचा का हमारा शरीफ नाव। अच्छा क्या कह रहे हैं? आज जा है पोजीशन के अगर किसान की खीर पे अपनी मोटर नहीं चला पा रहा हो, अगर वो कोई 1,000 रुपए जब बिल दो तो मैं मोटे के मैं दो इन के काट के उठा के ले जा पीछे से जा है। अच्छा लाइट लाइट जी को बिल दो तो उनकी मोटर उठ रही, पहले नहीं उठाती, पहले मोटर नहीं उठाती, ओका को तो फ्री चलती मोटर फ्री उठी। अरे बिल्कुल लाखन सिंह यादव हर खेत पे डीपी नहीं हो रहा है, हैरानी हो गई। वो सब होगा, सब केंद्र शासन सब योजना मिल रही, केंद्र की सब मिल रही, मरे की मिल रही, जिगत की मिल रही, सब मिल रही, और गल्लो मिल रहा, हर चीज मिल रही, हर चीज मिल रही। फ्री में गल्लो जाए 20 रुपया को खरीद के वो 1 रुपया में दे रही। ये भैया समाज की है, यादव समाज की है, यादव तो है? के सुनो सुनो, ये यादव समाज के है, इसलिए ये यादव का पक्ष करेंगे। हाँ हम भैया समाज के नहीं उनके, लेकिन हम उनको पक्ष करें। कांग्रेस कैसी सरकार का उन्हें नहीं चला पाई। वो है दादा, हमारे सामने दादा है, दादा एक जने जी दादा चिल्ली आना चिल्ली और भैया लड़ाई होगा। दादा राम राम का कह रहे तुम बताओ, राम राम का साहब ये तो बोलो, तुमसे तो बात हो गई दादा से, बात नहीं भैया बात प्रधानमंत्री हेमंत सिंह घोष मऊ। अच्छा क्या चल रहा है बात? हमारे तो बीजेपी चल रही, लूट हो जाती, चोरी हो जाती, हो जाती। हाँ तो ये हकीकत बात है कि कांग्रेस के राज में ऐसी हो तो कांग्रेस अगर अभी जीते ही तो फिर ऐसे ही दंगा फसाद हुई है। बात के लाने तो मानत कि अगर 5-5 साल करके सरकार रहे तो लोगों को ज्यादा फायदा हो। 5-5 साल सरकार बदली जाए, जब जब सरकार अच्छी ना चल रही हो, जब सरकार अच्छी चल रही तो काय बदली जाए। चाचा बीजेपी ने तो कहा 370 हटाई बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ने इतने बड़े बड़े काम कहे राम मंदिर दादा का। हमारा गोरेलाल घोष लोहरगवा के भैया इस टाइम पे भरिया चोर दबो है और अच्छा शासन चल रहा भाजपा को, और अच्छा विकास करो और यशु विकास होते रहे, और हम भाजपा को चाहते है कमल को फूल खिलवे। ठीक और कुछ बात नहीं है, यही है हमारी बात। क्या लग रही थी आपकी डॉक्टर साहब कितने भाजपा जीते ही अच्छे वोटर से अच्छे वोटर से जीते गए यहाँ। हाँ भाजपा अच्छे वोटर से जीते, बढ़िया चो है यहाँ पावे जी में, बढ़िया चो है यहाँ पावे भैया कांग्रेस में, बढ़िया चो है दादा राम राम दादा क्या सबका वोट है यहाँ है तुम जो हम आपकी ऐसी की मऊ के चल लो तुम्हारी जय विधि विधानसभा में। हाँ जय बेटे हम आज फूल चलाओ कांग्रेस चलाए। अच्छा तुम्हें का लग रहा हो जीत रहे हो? तो ऐसे फूल की वोट आई है कांग्रेस हाँ हमारे पृथ्वीपुर विधानसभा से, तुम्हें का लग रही को निकल रहा को निकल रहा फूल निकल रहा फूल निकल रहा तुम्हारा सिंह ने भाई थी कही थी भाई साहब ने तुमसे एक बार पूछ लिया वो आदमी देख लो 5-5 लाख ले लो आज में अंगूठा नहीं लग पाओ बहन के लंडो स्कूल में नहीं काय नहीं काना हो काना भाई साहब काना ये फिलहाल रोजगार है का वाह वाह बस होए अपने पैसा ले अपने अरे अल्लाह दे आदमी का नाम तुम्हारा हम विजय कितने के आओ बताओ हम तो मऊ के यहाँ कौन मऊ को छोड़ा गया तुम्हारे तो कहाँ चल रहा को जीत रहो का लग रही तुम्हें शिशपाल ने कहे जाए गए डॉक्टर साहब ए मतलब नितिन सिंह राठौर ने कहे माना से तो भज्जा वही फूल वाह की है हमारी तो
नितिन सिंह राठौर अच्छा काउ की निकट हमको पार्टी बन दिया है। अच्छा काय के लाने आए थे आप? इतना बजा है यहाँ थे हम। खात मात मिल लो के नहीं मिल लो? खात कछु नीचा दूर काहे भागे रहे थे हैं? ए हाँ। खात मिल लो? खात हमें नीचा नहीं हमारी तो देहात के ने 90 लाख दाई दी ना। तुम का काम करत हो? ऐसी कह जुगाड़ो। अच्छा चल हमारे संगे एक जने भग गया है लो। का नाम है जो? हमारा जैन सिंह घोष। दूर काहे भागे रहे? कौन गांव के जाओ? हम ग्राम पंचायत मऊ बुजुर्ग। जी 5 किलोमीटर दूर। कहाँ चल रहा तुम्हारे कहा लग रही? यहाँ पे कांग्रेस चला, ये तो बकवास है। कांग्रेस बहुत 50,000 वोट से आ गया फिलहाल में। अच्छा 50,000 तो तुम बहुत ज्यादा कह रहे हो। 50,000 से कोई प्रत्याशी नहीं? आप जब रिजल्ट आएगा जब देख लेना। अच्छा मध्य प्रदेश में सरकार की बना दिखा रही? कमलनाथ। कमलनाथ अच्छा ये सब का देख रहा का अब नए लायकन से पूछो उनके दिल पे क्या ठेस पहुंची है। बहुत उनके अंध है अब कह नहीं पा। का दिक्कत हो गई लड़का कुछ बताओ? आप देख रहे हैं आप अब पटवाई में कितनी लड़का पास हुई थी। आप बेघर है बैठे अब सोच रहे कब होगा कैसा होगा। अब कन्फ्यूज में डले हुए हैं। कांग्रेस की होती तो अब हर बे अपनीनों की कहने लगे होते। युवा परेशान है सबसे ज़्यादा भाजपा से। नौकरी नहीं कर रही जिनके पटवाई के रिजल्ट आए। रिजल्ट घोषित नहीं भाई और परीक्षाएं हो गई। और भी दादा है का नाव दादा? तो वो नहीं अफगानी होता। बोलो 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 तुम बोलो तुम बोलो। गजराज घोष। कहाँ चल लो? कितने की आओ तुम? शहर आई के। अच्छा कहाँ चल लो तुम? बाड़ी क्या है आप किधर का नहीं कर रहे हो? फूल नहीं कर रहे? फूल नहीं कर रहा। फूल नहीं करने हो? चलो आप भजम जी रहे हो। का नाम? ज्वाल प्रजापति। का लग रही भाई जब फूल नहीं करें चाची? हमारे हाई संघ घटी। अच्छा आपकी जतारा विधानसभा। अच्छा मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री की बने चाची तुम्हारे? शिवराज सिंह। अच्छा शिवराज सिंह चौहान को। चलो और चाचा आओ आओ चलो आओ आओ थोड़ा दूर से। चलो का नाम तुम्हारा बताओ? राघवेंद्र रजक। अच्छा राघवेंद्र रजक। हाँ कहाँ के आओ? देवखा। अच्छा तुम्हारे तक कैसे चल रहा प्रचार? तुम्हारे तक बढ़िया चल रहा। बीजेपी ने सब बढ़िया करो ये कहीं गलत करो मोदी संग है। मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई थी सो पैसा खा लाए दलालन ने और कछु बैंक वालन ने और मोए बाप के ऊपर कह जा कह दो 40-50 हजार को। अच्छा अब बैंक वाले आ रहे घरे का वो पैसा चुकाओ आवास में। अरे आवास आ रहा हाँ कुल 20,000 रुपया मिले तो 20,000 रुपया मिले थे कुल और 50,000 को कह जा थ्रो पे फिर रहे। नहीं तो काय के लाने काय जलाओ तो तुमने? मुख्यमंत्री आवास योजना चलो तो एक। अच्छा मुख्यमंत्री आवास योजना? हाँ तो तुम्हें आवास नहीं बनो? आवास तो अपने 20,000 में आवास बना था बाकी बैंक वाला खा गए। कमीशन खा लो बैंक वाले। हाँ पैसा खा ले पूरे खा ले 50,000 को केस है तो कुल 20,000 लेते हो हमने 35,000 रुपया जमा कर दो तो अब क्या 50,000 और देना बैंक वाले ने खा ले स्टेट बैंक वाले। शिकायत नहीं करी तुमने? सब कर लो को सुन रहा हो सरपंच से क्या कहें देखते गांव को गरीब आदमी सरपंच सरपंच से कह लही से कट्टी से सबसे कह लही गरीब आदमी की कोई नहीं सुना। अच्छा अब तुम्हें का लग रही की क्या चाचा जी? हमें तो जो लगे कि हमारे संग जो गलत भाव तो वो नहीं होना चाहिए बस। अच्छा तो गलत को रोक सका जब वोट ऐसे तो गलत रोकने तो वोट आप हमारी इच्छा का जी ने गलत कहो हमारे संग वोट ना दो जी। कांग्रेस ने कौन सा सही कहो हमारे संग 2002 में बंटन कही थी तो कहा ओबीसी में नहीं है भूमिहीन स्वके नहीं जन का जमीन दे रही थी के सामान में भूमिहीन नहीं होते तो हम तो 2002 से 2015 तक केस लड़ रहे बंटन को अपीली। अच्छा तुम जा बताओ का लग रही तुम्हें किया मैंने चज्जे हमारे हिसाब से तो या सापा आना चज्जे थे या केजरीवाल आना चज्जे बाकी पे आनी रहे नहीं जे एक आदमी मिले ना वो आदमी ना उम्मीद है उनकी कछु ही थे का कहीं ना उम्मीद है हम तो दो सापा से ऐसा फाय गए 80 प्रत्याशी लड़ रहे समाजवादी पार्टी 80 विधानसभा में चुनाव लगे काला हमें तो जो लगाओ का हम सुनो कांग्रेस की देन जो है कि 2002 से अभी तक केस लड़ रहे ठीक है बंटन कही थी उनने तो क्या कहले है ये नते का भूमिहीन वो कौन है तो भूमिहीन तो अब हमने अपील ले 2-3 जगह से जीत भी गए केस ठीक है
तो वो पैसे लगा तू मैं हम तो तसरा डाड़ा के पैसे लगाए आदमी मिलो जो कह रहा ना भाजपा चजे ना कांग्रेस आ चजे या समाजवादी पार्टी चाहने या आम आदमी पार्टी चाहने चलो हमारे 17 तारीख को मतदान है। अब यहाँ के लोगों का अपनी अपनी समस्याएं और अपने रुझान हैं। कोई कांग्रेस के समर्थक हैं, कोई भाजपा के समर्थक हैं, कोई अदर पार्टियों को चाह रहे हैं। अब 17 तारीख के बाद जब 3 तारीख को मतदान का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा किसकी सरकार बन रही क्या हो रहा है। हम आपको ऐसे ही चुनावी चौपाल दिखाते रहिए रहेंगे। बने रहिए बुंदेलखंडी न्यूज़ के साथ। हमें राम नरेश नमस्कार।